किचन मम्मी दा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे परवल, देसी खाना, और वो भी गांव के निमंत्रणों में भी मिलते हैं, शादियों में कहीं कहीं बनते हैं, पता नहीं बहुत कम बनते हैं फिर। अब तो अपना अलग ही खाना चलता है, बफा सिस्टम, लेकिन निमंत्रण तो बहुत ही मिलता है, जैसे गांव के निमंत्रण होते हैं ना उसमें। तो मैंने गई थी ना गाँव के निमंत्रण में, मुझे मिला तो मैंने कहा वाह यार, सब्जियाँ तो बड़ी मज़े की लग रही, तो चलो आज मैं घर पर ही बनाऊँ। तो बस ये परवल लिया, इसे मैंने ऐसे हल्का हल्का स्क्रैप कर लिया, मतलब कि ताकि छिलके वो अगर कड़क होंगे तो सॉफ्ट हो जाए। एंड देन इसे कट कर लिया पतला पतला, ऐसे लंबे लंबे, जैसे फ्रेंच फ्राई कट करते हो लंबे लंबे में इस तरह। अगर बीज ज़्यादा मोटे रहेंगे तो निकाल दो, बीज बहुत सॉफ्ट थे, आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट ये है, ये अराउंड 1.25 किलो तक का है। तो बस ये देखिए काफ़ी अच्छा है, तो मैंने इसे काट लिया। एंड देन अब कढ़ाई में तेल, इसमें तेल बहुत लगता है, 2 टेबल स्पून के इतना मैंने तेल डाल दिया, साथ में परवल डाल दे रही हूँ, अब ये पहले ही फ्राई हो जाए ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और 2 आलू था मैंने, जिसे अच्छे से कट कर लिया है, ये देखिए क्यूब्स में, बड़े साइज में थे तो दोनों मीडियम साइज में, सॉरी। और दोनों आलू कट करके इसमें डाल दिए, और साथ में नमक अभी डाल दिए ताकि हमारी सब्जी बहुत जल्दी कुक भी हो जाए और अंदर तक नमक का फ्लेवर हो जाए। तो बस इसे अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करके और ढक के रख दूंगी ताकि अच्छे से हमारी सब्जी कुक भी हो जाए। और खाने में तो इतने मज़े, इतने यकीन माने बड़े लजीज लग रहे थे। तो बस ये ढक के मैंने कुक किया, अगर आप देखेंगे इसका कलर भी चेंज हो गया, और अगर मैं आलू चेक करूँगी तो आलू भी देखिए एकदम अच्छे से कुक हो गया। और अब मैं परवल भी चेक कर लेती हूँ एक बार कि परवल हुआ है कि नहीं। तो ये आपके यहाँ ये इसको क्या बोलते हैं, ये भी कुक हो गया, देख सकते हैं कितने मज़े का। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं, परवल बोलते हैं या पटर बोलते हैं, जरूर मुझे बताना। तो बस अब ये अच्छे से कुक हो गया, तो इसमें मैं कूटी हुई 2 मिर्ची डाल दे रही हूँ, और अदरक घिसी हुई 1 टेबल स्पून के अराउंड, और 2 बड़े साइज़ के टमाटर काट के इसमें चॉप करके डाल दी हूँ। एंड देन इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना, तो अच्छे से मिक्स करके ना इसे हमें ढक के कुक करना है जब तक टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, और नहीं तो 5 मिनट तक कुक करना है। तो आप देख सकते हैं कलर कितना प्यारा दिख रहा है, टमाटर भी सॉफ्ट सॉफ्ट हो गए काफ़ी अच्छे, और कलर कितने यम दिख रहे हैं, और ये देखिए तेल भी साइड साइड से रिलीज हो गया, इतना अच्छा कुक हो गया। तो बस अब इसमें मसाला डालेंगे, ज़्यादा नहीं मसाला डालूंगी, थोड़े मसाला, थोड़ा हल्दी, 2 टीस्पून के अराउंड धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला है, साथ में थोड़ा सा हींग, और कलर के लिए मैंने काश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून। एंड देन अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और अब अगेन इसे हम कुक करेंगे, इसका तेल जैसे रिलीज हो जाए या मसाला अच्छे से भुन जाए, लो फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे 5 मिनट एटलीस्ट। तो बस इसे मैं ढक के रख दे रही हूँ ताकि 5 मिनट एटलीस्ट तेल ऑयल रिलीज हो जाए अच्छे से। तो आप देख सकते हैं ऑयल कितने अच्छे से रिलीज हो गया, और कलर कितना खिला 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 दिख रहा है ना। तो बस अब इसे थोड़ा मिला के देखते हैं, तो ये देखिए कढ़ाई भी छोड़ने लगी, इतने अच्छे से मसाला हमारे कुक हो गए। तो बस इसमें मैं अब पानी डालती हूँ, तो ये मेरा 250 ml का कप है, कॉफ़ी कप है, मैं उससे डाल रही हूँ। अब इसे पानी डाल के इसे मिक्स करके मैं हाई, वैसे तो हमारी सारी सब्जियाँ कुक ही हुई, तो मैं इसे हाई फ्लेम पे नहीं तो भी मीडियम हाई में कुक करूँगी। तो आप देख सकते ऑयल कैसे रिलीज ऊपर से दिख रहा है, और सब्जी भी अच्छे से कुक हुई है। तो बस इसमें मैं थोड़ी सी हरी धनिया डाल दूँगी, हाँ इन सबको अच्छे से मिला दूँगी, और आप देख सकते हैं सब्जी कितनी अच्छे से कुक, एकदम गाढ़ी गाढ़ी हो गई, पूरा निमंत्रण की जैसे, और फ्लेवर तो इतना लाजवाब था ना कि पूछो। अगर आपको अभी बिलीव नहीं है तो मैं आपको एक परवल लेके, ये देखिए परवल को कट करके दिखा रही हूँ कितने अच्छे से कुक हुए हैं, अगर चाहिए तो मैं हाथ से भी मैश करके दिखा दे रही हूँ, इतना अच्छा कुक हुआ था ना सब्जी की पूछो मत, और खाने में तो लाजवाब ही लाजवाब। तो बस इसे मैं प्लेट में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ, और इसे गार्निश कर देंगे हरी धनिया के साथ, यकीन मैंने खाने तो बड़े मज़े लगे थे, आप ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई करके मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए खाओ पियो मज़े करो, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।